तो गाइज मेरे पास है आधार पीवीसी प्लास्टिक कार्ड जो कि मैंने हाल ही में अप्लाई किया था और मुझे हाल ही में पोस्ट ऑफिस से रिसीव हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स मिलेगा और कैसे आता है इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। और आपको आगे जाके ये भी पता चल जाएगा कि आपको अगर आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम है अमित और कम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइज जैसे कि आपको पता है कि मैंने हाल ही में एक आधार पीवीसी कार्ड का एप्लीकेशन किया था जो कि मुझे पोस्ट ऑफिस से मिल चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका पूरा अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं आधार पीवीसी कार्ड देखने में कैसा है और इसका क्या क्या बेनिफिट है। आगे की वीडियो पे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके चलिए इसका फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या मिला है मुझे और आधार पीवीसी कार्ड से इसमें देखने में कैसा है। इसमें ऊपर में ब्रांडिंग किया गया है गवर्नमेंट का और इसमें मेरा पूरा नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है और ये जो मुझे स्पीड पोस्ट से मिला है उसका भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास आ चुका है तो इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। इसमें पहले तो मेरा नाम लिखा हुआ है और एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर, बाकी के सारा डिटेल्स इसमें लिखा गया है और मेरा जो आधार कार्ड है उसका जो लास्ट 6 डिजिट नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसका जो ऊपर का पोर्शन है वो पूरा खाली है, खाली ऊपर में मेरा नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा गया है। इसका जो बैक साइड है इसमें मेरा जो आधार पीवीसी कार्ड है इसमें चिपका हुआ है और इसके ऊपर भी मेरा जो नाम है और एड्रेस है वो लिखा गया है। मेरा SRN नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसमें डेट भी दिया गया है और मेरा जो आधार कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे मेरा कार्ड चिपका हुआ है, इसे मैं फटाफट इससे निकाल लेता हूँ। तो गाइज ये रहा मेरा आधार पीवीसी कार्ड जो कि इसका जो फॉन्ट साइड है इसमें मेरा नाम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है और मेरा जो आधार नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है उसका और इसमें फ़ॉन्ट साइड में कोई भी QR कोड नहीं है, लेकिन जो QR कोड है वो पीछे के साइड में है और पीछे के साइड में पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है और कब एक कार्ड प्रिंट किया गया है उसका भी डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है और इसमें जो मेरा आधार कार्ड का नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है और इसमें आधार का जो हेल्पलाइन नंबर है, वेबसाइट है और हेल्पलाइन जो मेल आईडी है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ गाइज ये जो कार्ड है जैसा पूरा पैन कार्ड जैसा दिखने में लग रहा है, इसका जो फिनिशिंग है पूरा पैन कार्ड जैसा है, पूरा ऊपर से लैमिनेटेड है तो आप इसे बड़ी ही आसानी से कैरी कर पाएंगे। आगे जाके अगर आपको और भी आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करना है तो वो भी आप सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया देके आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। गाइज आधार पीवीसी कार्ड कैसे अप्लाई करना होता है इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बना के रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके एक बार देख लीजिए कि कैसे आधार पीवीसी कार्ड को बनाना होता है। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया देके आप ऐसा आधार पीवीसी कार्ड आप बना पाएंगे जिसका जो वैल्यू है पूरा आधार कार्ड का जो वैल्यू है वही सेम टू सेम है। इसका जो बेनिफिट है आप इसे कहीं भी लेके जा पाएंगे। अगर आप इसे खो भी देते हैं तो कोई भी टेंशन नहीं है, आप दूसरा एक कार्ड बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे और आपके एड्रेस में 7 से 10 दिन के अंदर ये जो कार्ड है ये कार्ड आपको मिल जाएगी। तो गाइज आपको भी अगर आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना होगा और आपको भी अगर चाहिए तो तुरंत जाके अप्लाई कर लीजिए। गाइज इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूंगा। गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।